मैं हूं आपका होस्ट ऑल और आप देख रहे हैं WWE हैंग रेसलिंग। तो दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आज के इस वीडियो में हम WWE के समर स्लैम मैच कार्ड फुल प्रेडिक्शन करने वाले हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा हमको वीडियो के अंत में पता ही चल जाएगा, यानी वीडियो के बीच में हमको पता ही चल जाएगा। तो दोस्तों दिल धाम के बैठिए, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका फेवरेट WWE सुपरस्टार हार भी सकता है या फिर जीत भी सकता है। तो दोस्तों समर स्लैम में लिव मॉर्गन वर्सेज रोंडा राउजी मैच गया है। तो दोस्तों आपको मालूम है रोंडा राउजी के ऊपर दोस्तों लिव मॉर्गन ने वही पर अपनी मनी द बैंक ब्रीफकेस कैश इन की थी, और दोस्तों उसी समय लिव मॉर्गन अपने करियर की पहली सिंगल चैंपियनशिप जीत ली है। और दोस्तों इसी को ही देखकर समर स्लैम में रोंडा राउजी और लिव मॉर्गन मैच गया है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के ऊपर। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसमें कौन जीतेगा। तो दोस्तों लिव मॉर्गन को अभी WWE में काफी अच्छा खासा तगड़ा पुश मिल रहा है, और दोस्तों इसी ही देखते इस मैच में मुझे तो लगता है मेरे अकॉर्डिंग लिव मॉर्गन इस मैच को जीत लेंगी। बाय द वे दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में कौन जीतेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मनी इन द बैंक में हारने के बाद दोस्तों समर स्लैम में स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस उसो स्मैकडाउन चैंपियनशिप के ऊपर मैच गया है, सॉरी दोस्तों अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के ऊपर मैच गया है। और दोस्तों रूमर्स और अपडेट के मुताबिक यही कहना है कि समर स्लैम में उसोज यानी ब्लड लाइन अपनी दोनों चैंपियनशिप हारने वाले हैं। बाय द वे दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में कौन जीतना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मनी इन द बैंक में हारने के बाद फिर से दोस्तों थ्योरी को यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के ऊपर मैच मिल चुका है, और दोस्तों मैं पर्सनली हैंग हो चुका हूँ, क्योंकि दोस्तों थ्योरी को कितने चांस मिल चुके हैं यार, 24 साल के उम्र में यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप और मिस्टर मनी इन द बैंक विनर, और दोस्तों समर स्लैम में फिर से यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मौका, इसको ही पहले WWE में रिलीज मिलना चाहिए। बाय द वे दोस्तों छपरी बातों के बारे में हम बाद में बात कर लेते हैं इसमें कौन जीतेगा। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग मेरे मुताबिक इस मैच में हमको ऑस्टिन थ्योरी नहीं जीते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि दोस्तों बॉबी लैशली को अभी WWE में और पुश मिलने वाला है। बाय द वे आपको क्या लगता है इस मैच में कौन जीतना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों समर स्लैम के मैच कार्ड में ये भी मैच ऑफिशियली एडवर्टाइज है, पैट मैकाफे वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन। तो इस मैच के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, इस मैच में दोस्तों हमको हैप्पी कॉर्बिन की जीत देखने मिल सकती है। बाय द वे दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में कौन जीतेगा, कमेंट्स करके जरूर बताओ। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों रोमन ब्रॉक, तो दोस्तों मुझको नहीं पूरे वर्ल्ड को यही क्वेश्चन पड़ा है कि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में कौन जीतेगा, क्योंकि दोस्तों हमको समर स्लैम में रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का कई बार मैच देखने मिल चुका है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों 2018 में ब्रॉन स्ट्रोमन के वजह से रोमन रेंस ने समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर को हरा दिया था, और दोस्तों वही पर रोमन रेंस WWE में न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन चुके थे। और दोस्तों फिर 2022 में समर स्लैम में रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर मैच जा चुका है, और दोस्तों इस मैच में हमारे थ्योरी अपनी मनी इन द बैंक कैश इन भी कर सकती है। और दोस्तों रसल मैने में जैसा मूवमेंट हुआ था ना रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, तो दोस्तों इस साल भी हमको ऐसी ही सिचुएशन देखने मिल सकती है। और दोस्तों थ्योरी जैसा काटा निकालने के लिए ब्रॉक लेसनर अगले काफी, और इसी के ही कारण ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में रोमन रेंस को हरा पाएंगे। बाय द वे दोस्तों आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों बरसात के दिनों में बारिश तो होती है, तो दोस्तों बारिश के कारण आवाज इधर उधर हो सकती है, तो उसके लिए सॉरी।